मेरे दिल की जान लेते हैं मालिक, पर अब ये चीजें भी अच्छी नहीं लगती। उसके बावजूद मालिक ने फिर थोड़ी बहुत सेवा भी ली, जो अपना भाई बहन तड़पता दिखता था, परेशानी में दिखता था, फिर मालिक उसको भी बुलवाते थे कि भाई सिमरन करो। वो बोलते हैं ना, जिस तरह लागे सो तरह जाने। तो मैंने देखा, मैं जिस मुसीबतों से, जो दुखों परेशानियों से राम नाम के जरिए निकली हूँ, फिर आगे मैं सबको भी बोलती रही कि भाई सिमरन करो, पिताजी बहुत तड़प रहे हैं, पिताजी बहुत खुशियां देते हैं, पिताजी का तो मिशन ही यही है कि पिताजी अंदर से दर्शन देना चाहती है। आंटी मैं सबको बोलती थी, सबको बोलती रही। फिर उसके बाद मैंने जॉब छोड़ दी। मैंने फैसला कर लिया कि मैंने जॉब नहीं करनी। अब तक ये दुनियादारी में मैंने बहुत गलतियां करी, मैंने जॉब के पीछे लगी रही। मैं सतगुरु को भूल गई थी। 2 साल आंटी जी मैंने जॉब नहीं की, मैंने जमकर प्यार किया मालिक से, और करवाने वाले मालिक का मेरी औकात नहीं। सतगुरु ने उसने मुझे इतनी कमियां बताई, मुझे इतनी कमियां बताई, तेरे में ये कमी है, तेरे में वो कमी है। जो अहंकार चंडीगढ़ में था ना, कि मैं इतनी छोटी उम्र में मैनेजर बन गई, मालिक ने मुझे ऐसी ऐसी रूहें दिखाई। बोले तू दुनियादारी की तरक्की बोल रही है, देख रूहानियत में तेरे से छोटी छोटी रूहें कहाँ पहुंची हुई है। मेरा अहंकार आंटी कितना चूर हो गया। मेरे को घमंड था कि मैं सबसे सुंदर हूँ, पर मेरे परमात्मा ने मेरे को अंदर से बताया कि जो बाहर की खूबसूरती होती है वो किसी मायने नहीं रखती। अगर आप अंदर से परमात्मा के बन जाते हो तो आप खूबसूरत हो। मेरा वो भी अहंकार चकना दूर कर दिया। मालिक ने मुझे इतनी कमियां बताई, इतनी कमियां। आंटी मैं मालिक का ना देन नहीं दे सकती। मैं गंदी सी लाइफ जी रही थी, गंदी सी जिंदगी जी रही थी। आज सतगुरु ने, नो डाउट, ऐसा कोई वो नहीं है, मैं सच में सीना ठोक के बोलती हूँ, आज सच में सतगुरु वो खुशियां बख्श रहे हैं जो पता नहीं शायद पीरों फकीरों के हिस्से में होती है। फिर जब सतगुरु ने 24 अप्रैल को रहमत की, एक खास नजारा दिया, फिर रूह तो बहुत खुश हुई कि सतगुरु को देखा, धन्य होगी रूह। तो सतगुरु का जो वैराग देखा मैंने, तब मेरे को एहसास हुआ कि मैंने बहुत लेट कर दिया, मैंने सतगुरु को बहुत इंतजार करवाया। वो मुझे तो अब एहसास है, पर अब मुझे इस बात का भी दुख हो रहा है कि मैं तो किसी तरह सतगुरु की रहमत से मैं जान गई, मैं पहचान गई कि वो खुद खुद है, पर अभी कितनी रूहों उसको पता ही नहीं है, कितनी रूहें अनजान है उनके प्यार से। हम पिताजी पिताजी तो करती है, पर कभी नहीं सोचते कि पिताजी ने हमारे लिए कितना कुछ किया, हम उनके लिए सिमरन करें। हम दुनियादारी में मस्त हो रखे हैं, मैं भी मस्त थी, पर मालिक खुद मुख्तियारी भी बताते हैं। मालिक किसी ना किसी के अंदर आके हमें जगाते हैं। मुझे रेखा दीदी के अंदर आके मालिक ने जगाया। मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ मालिक की कि मेरी जिंदगी बदल दी, वरना अब तक पता नहीं मैं कहाँ धक्के खा रही होती आज। पर मुझे ऐसा लगता, हाँ मेरे पास, मुझे नहीं पता दुनियादारी में मैं मुकाबला नहीं कर सकती, पर रूहानियत में जो सतगुरु मुझे बख्श रहे हैं, मुझे लगता मैं सबसे भाग्य वाली हूँ। और ऐसा भी आंटी जी, मैं इस दौलत के, जो सतगुरु ने दौलत बख्शी है, मैं इस दौलत के लायक नहीं है। मुझे बहुत एहसास होता है कि घर के, मतलब मालिक एक सेटिस्फेक्शन देते हैं कि सब कुछ अच्छा चल रहा है, पर मुझे ऐसा लगता ना तो मैं अमीर हूँ ना कुछ, मतलब मालिक मुझे क्यों प्यार कर रहा है। फिर भी मुझे इस बात का बहुत कभी कभी वो होता कि मतलब सतगुरु कितना बड़ा परोपकार है, मैं लायक नहीं हूँ। मैंने जितनी गलतियां की हैं, मुझे नहीं लगता दुनिया में किसी ने गलतियां इतनी की होंगी, पर सतगुरु अंतिम भी मतलब उसकी लीला परमपार है, वो इतना बख्शनहार है, इतना बख्शनहार है। मुझे लगता है अगर वो मुझे माफ कर सकता है, मेरे जैसी पापी को सीने लगा सकता है, फिर बाकियों को क्यों, क्योंकि सबसे घटिया मैं हूँ। मुझे पता है, वो बोलते हैं सतगुरु कभी किसी का पर्दा नहीं उठाता। मुझे पता है मैंने जिंदगी में क्या क्या गलतियां कर रखी है, पर मेरे सतगुरु ने फिर भी उन गलतियों के बावजूद भी मुझे अपनाया। ये एक शब्द है ना, पापा दी ग्रेट, मेरे पापा दी ग्रेट, उसको मैं सुनती हूँ। वैराग मुझे पहले भी आता था, पर अब सुनती हूँ। उसमें एक लाइन आती है, ठोकरों पर रोलते पत्थरों को तूने अपनों को भी नूर बनाया। अब सच में फील होता है कि मैं मतलब दुनियादारी में मतलब ऐसे इधर उधर घूम रही थी, मैं ठोकरें खा रही थी, पर आज मुझे उसने अपने सर का ताज बना दिया।
आज मुझे भी एहसास हो रहा है कि हाँ मतलब सतगुरु मेरा है, मुझे बहुत प्यार करता है। मैं उसको भी नाने की मालिक मेरे भी नाने की सतगुरु के चरणों में भी यही अरदास है कि सतगुरु सबको ऐसा प्रेम लगाए, ऐसी प्रेम लगाए कि बस दुनिया जी ना पाए सतगुरु के बिना। अंतिम जो सतगुरु के प्यार में आनंद है, लज्जत है, वो दुनिया में कहीं नहीं है। आप करोड़ों रुपया भी खर्च लो, जो सतगुरु की याद में रोने में खुशी मिलती है वो कहीं नहीं मिल सकती है। मैं बहुत भटकती रही, बहुत भटकती रही, ना तो मुझे सच्चा प्यार मिला ना ऐसा सतगुरु मिला। पर सतगुरु बहुत प्यारी है, बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। मैं बहुत बड़ी पापी हूँ, मैंने बहुत पाप किए, मैं हर वक्त किसी ना किसी को नीचा दिखाती रहती थी, अपने आप को समझती थी कि मेरे से ज्यादा कोई समझदारी नहीं है। पर मेरे दादा ने इतनी गलियां होने के बावजूद भी मेरे को सुनने से लगाया, पल पल मेरे को एहसास कराते है तू अकेली नहीं है, मैं तेरे साथ हूँ। आंटी को इनका ना बदला नहीं चुकाया जा सकता, सतगुरु इतना प्रेम करते। एक बोलते है ना लोग, पूरी दुनिया में मिलके इतनी गलतियां नहीं की होंगी जितनी मैंने अकेली ने गलतियां की हुई है। मैंने बड़े से बड़े, छोटी से छोटी गलती की हुई है, बहुतों के दिल दुखाए होंगे। इसका मतलब मैंने तो अपने परमात्मा का ही दिल दुखाया था। सबके अंदर परमात्मा बसता है, मैंने बहुत से दिल दुखाए हैं, पर उसके बावजूद भी मालिक ने मुझे सीने से लगाया, मैं उसके उपकारों का बदला नहीं चुका सकती। कोई किसी को कुछ बोल देता ना, बंदा मुंह बना लेता है कि मेरे को इतना कुछ बोल दिया, मैंने तेरे से बात नहीं करनी, पर मैंने तो पल पल सतगुरु को रुलाया होगा, पल पल मैंने उसका दिल तोड़ा होगा। उसके बाद भी मेरे साहिब की बड़ियाई तो देखो, वो फिर भी मेरे को सीने से लगा के बैठा होगा। दुनिया में ऐसा कोई भी नहीं है, सतगुरु सतगुरु है, वो बहुत प्यार करता है हमें बहुत ज्यादा। दुनिया में कोई ऐसा प्यार नहीं दे सकता जो सतगुरु देता है। फिर पता चला सिमरन पे बैठ बैठ के कि आत्मा सदियों पहले बिछड़ के आई थी, वो कितनी तड़पी होगी, पर मन कुत्ता था मेरा सुलाता रहा, मुझे नौकरी में डाल दिया और तड़प ऐसी लग गई थी, मैंने फोन ही नहीं उठाया। मैंने दीदी को भी बताया, दीदी बोली कोई बात नहीं, तू सतगुरु के आगे आगे बढ़ तू रूहानियत में। 7 दिन बाद मैंने फोन निकाला, मैंने रिजल्ट चेक करना था कि मेरा आईलेट का रिजल्ट कैसा आया, मेरे 7 बैंड से ज्यादा बैंड दिए मालिक ने। और सतगुरु ऐसा जितनी हम मर्जी गलतियां कर दे वो सीने से लगाने को तैयार रहता है। सतगुरु ने बहुत कुछ बख्शा जी, बहुत इतना प्रेम दिया, इतना प्रेम, उस प्रेम के अंतिम में काबिल नहीं थी। और अभी रोना सिर्फ इस बात का आता है कि मेरा तो असली जन्म 24 अप्रैल 2018 को ही हुआ, उससे पहले तो बस मेमोरी हुई थी। मुझे पता ही नहीं था कि सतगुरु मेरे लिए कितना तड़प रहा, मुझे पता ही नहीं था कि सतगुरु ने क्या क्या किया मेरे लिए। परंतु जी मैं एक ही बात बोलना चाहती हूँ, मतलब सतगुरु बहुत प्यार करते हैं, दुनिया में कोई हमें प्यार नहीं दे सकता। सतगुरु क्या नहीं करते, अगर मन में कोई शंका भी होती है ना, उसको भी मिटाने आते हैं। फिर मैं फिर रोती हूँ कि हाय मैंने शंका क्यों की, मेरे सतगुरु को इतनी दूर से ऐसे आना पड़ा।